आज पवन सिंह के जनसभा में कुर्सी तोड़ दिया गया है, इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, यानी पूरी सच्चाई बताने वाला हूं क्या मैटर था। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, आज बिहार के कराकाट में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का जबरदस्त जनसभा हो रहा है, और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार लोग आए हैं पवन सिंह के जनसभा में, जैसे में मनोज टाइगर, काजल राघवानी, पाखी हेगड़े, अनुपमा यादव और एक क्रिकेटर हैं वो भी आए हैं, यानी तमाम लोग भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के जनसभा में आए हैं। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, उस वीडियो में यानी पवन सिंह के जनसभा में कुर्सी लोग तोड़ रहे हैं, और उस वीडियो में महिला लोग कुर्सी तोड़ रही हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पवन सिंह के रैली में कुछ लफुए टाइप के थे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ यानी कुछ कर रहे थे, इसीलिए महिला लोग गुस्सा कर कुर्सी उर्सी लगी तोड़ने। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही बताया जा रहा है कि पवन सिंह के रैली में दो चार को लफुए लोग थे पीछे, जो कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, और वही सब महिला लोग उठाकर कुर्सी लगी पीटने और तोड़ने। बाकी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के जनसभा में कोई उपद्रव नहीं हुआ है, शांतिपूर्वक पवन सिंह का जनसभा हो रहा है, आप सभी को बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिल जाएगा। और ये वीडियो है काजल राघवानी और पवन सिंह के भाषण देने से पहले का। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह और काजल राघवानी के भाषण देने से पहले का ये वीडियो है, जो कि उपद्रव मचा दिया था कुछ लफुए लोग। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।